दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी, आरसीडी, आरसीबीओ, एमपीसीबी और आइसोलेटर क्या होता है, इन सभी का फुल फॉर्म क्या है, कैसे काम करता है और कहाँ पे हमें कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइसोलेटर के बारे में। आइसोलेटर केवल एक प्रकार का स्विच होता है। आपके घर में जो बल्ब को चालू और बंद करने के लिए स्विच इस्तेमाल करते हो ना, वही स्विच आपका आइसोलेटर होता है। उस स्विच को आप चाहो तो आइसोलेटर भी कह सकते हो। आइसोलेटर के द्वारा आपको किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। केवल काम इसका यही होता है कि पावर सप्लाई को चालू करे और बंद करे। ओके, सेकेंड डिवाइस हमारा है एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का इस्तेमाल आपके घर में भी किया गया होगा। यदि आप देखोगे आपके घर का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो वहां पे लगा होता है। अब ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, एक बार समझिए। देखिए दोस्तों, जो हमारे घर में पावर सप्लाई आता है, उस पावर सप्लाई में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आते हैं। उन सभी फॉल्ट में से दो फॉल्ट ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा हमारे घरों में देखने को मिल जाता है। सबसे पहला होता है ओवरलोड और सेकंड होता है शॉर्ट सर्किट। तो ये जो दोनों फॉल्ट है, इन्हीं दोनों फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए हम एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो एमसीबी होता है और जो आइसोलेटर होता है, ये दोनों के दोनों देखने में एक जैसे होते हैं। जो आपका एमसीबी है उसी के जैसे ही आपका आइसोलेटर भी होता है। वैसे तो आइसोलेटर आपको बहुत सारे टाइप के मिल जाएंगे, लेकिन जो एमसीबी टाइप का आइसोलेटर होता है वो सेम टू सेम एमसीबी के जैसे ही दिखता है। यदि आप मार्केट में बाय करने जाते हो एमसीबी, तो दुकानदार क्या करता है कि आपको सस्ते में बेचने के चक्कर में आपको एमसीबी के जगह आइसोलेटर भी प्रोवाइड कर देता है। और यदि आप आइसोलेटर को आपके घर में लगा दोगे तो आपको किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एमसीबी का सिंबल क्या होता है और आइसोलेटर का सिंबल क्या होता है। आप जब भी कभी एमसीबी को बाय करने जाओ तो उस समय एमसीबी के ऊपर में जो सिंबल बना होता है उसको देख लीजिएगा कि वो एमसीबी है कि नहीं है। ओके, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है एमसीसीबी। एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूल कैश सर्किट ब्रेकर। लेकिन दोस्तों जो एमसीबी होता है, उस एमसीबी को यदि आप बाय करने जाओगे तो आपको एमसीबी केवल 63 एम्पियर तक मिलेगा। अभी के टाइम पे आपको 100 एम्पियर का भी एमसीबी मिल जाएगा, लेकिन पहले के टाइम पे 63 एम्पियर तक का ही एमसीबी मिलता था। अब यदि आपको इससे ज्यादा रेटिंग वाली प्रोटेक्शन डिवाइस चाहिए तो उस कंडीशन में आपको एमसीसीबी बाय करना पड़ेगा। एमसीसीबी जो होता है वो भी आपको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि जो एमसीबी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके देगा, सेम टू सेम आपका जो एमसीसीबी है वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके देगा। वैसे तो जो एमसीसीबी होता है वो आपको मार्केट में 1000 एम्पियर तक मिल जाएगा, लेकिन अभी के टाइम पे यदि आप बाय करने जाते हो तो आपको उससे ज्यादा रेटिंग वाला भी एमसीसीबी मिल जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो एमसीसीबी को 1000 से भी ज्यादा रेटिंग वाली बना रही है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट डिवाइस है ये है आरसीसीबी। आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी जो होता है इसको आपको कंपलसरी आपके घर में लगाना चाहिए। इसको क्यों हमारे घर में लगाना चाहिए, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि आपके घर में या फिर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें आपने आरसीसीबी को कनेक्ट करके रखे हो, और उस कंडीशन में यदि आप जाके फेस सप्लाई को भी पकड़ लेते हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक शॉक इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो आपका आरसीसीबी है, आरसीसीबी आपका तुरंत ट्रिप हो जाएगा। यानी कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आपके घर में आरसीसीबी का इस्तेमाल करना चाहिए। आरसीसीबी का काम केवल इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। यदि आप आरसीसीबी के बारे में पूरा डिटेल से समझना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है ईएलसीबी। ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये जो सर्किट ब्रेकर है इसका काम भी आरसीसीबी के जैसे ही होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक से आपको प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि आरसीसीबी जो होता है वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट कर रहा है और ईएलसीबी भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का नाम अलग अलग क्यों है। देखिए दोस्तों, जो आरसीसीबी और ईएलसीबी है, इन दोनों के बीच में दो डिफरेंस बताता हूँ, आप समझ जाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आरसीसीबी के बारे में। जो हमारा आरसीसीबी होता है वो करंट पे ऑपरेट होने वाली डिवाइस है, और आरसीसीबी का यदि हम कनेक्शन करते हैं तो उसमें हमें केवल फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जो ईएलसीबी होता है, ईएलसीबी हमारा वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाली डिवाइस है,
और ईएलसीवी का जब हम कनेक्शन करने जाएंगे तो उसमें हमें फेस सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई और अर्थिंग वाले वायर को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं लेकिन वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल के टाइम पे केवल ये समझिए कि आरसीसीबी और ईएलसीबी दोनों एक प्रकार का डिवाइस है जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक या फिर अर्थ फोर्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अभी के टाइम पे यदि आप मार्केट में ईएलसीबी को बाय करने जाओगे तो आपको शायद ना मिले। अभी के टाइम पे आपको केवल मार्केट में आरसीसीबी मिलेगा जो कि ईएलसीबी से ज्यादा सेंसिटिव होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि आप आपके घर के लिए आरसीसीबी को लगाने जाते हो तो उस कंडीशन में जो आपका आरसीसीबी है उसका जो लीकेज करंट होगा, लीकेज करंट 30 मिली एम्पियर होना चाहिए। 30 मिली एम्पियर लीकेज करंट वाली आरसीसीबी हमें क्यों बाय करना चाहिए, यदि आप पूरा समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक दिया गया है उसको आप देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास में है आरसीबीओ। आरसीबीओ का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड प्रोटेक्शन। इसके नाम से ही आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि आरसीबीओ क्या काम करता है। चलिए मैं आपको पूरा चीजें बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा एमसीबी है, एमसीबी हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो आरसीसीबी होता है, आरसीसीबी हमें अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे यदि हमें अर्थ फॉल्ट, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें यहाँ पे एमसीबी और आरसीसीबी दो डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपको दो अलग अलग डिवाइस इस्तेमाल ना करना पड़े, केवल एक डिवाइस के द्वारा आपको ये तीनों प्रोटेक्शन मिल जाए, तो उस कंडीशन में आपको आरसीबीओ को बाय करना पड़ता है। तो जो आरसीबी होता है इसके द्वारा हमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, ये जो आरसीबीओ है इसको हम आरसीडी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट होता है कि जो आरसीबीओ है और जो आरसीडी है ये दो अलग अलग डिवाइस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आरसीबीओ है इसको ही हम आरसीडी भी कहते हैं। ओके, अब इसके बारे में जो हमारे पास में आखिरी डिवाइस है ये है एमपीसीबी। एमपीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मोटर के प्रोटेक्शन के लिए करेंगे। अब यहाँ पे हमें केवल ये समझना है कि इसके द्वारा हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिलेगा। एमपीसीबी जो होता है वो आपको ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, साथ ही साथ में फेस लॉस का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा डिवाइस हमें कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और वो डिवाइस हमें क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस